बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन या लीड जरूर लगाएं। सो गाइस, आज मैं गोकू वर्सेस काकाशी की फैन मेड मांगा का चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें नारुतो दिखाया जाता है। नारुतो हंसते हुए बोलता है कि हमने आज बहुत अच्छा काम किया और आज का मिशन भी बहुत ज्यादा आसान था। साकुरा बोलते है सभी को पता है। नारुतो काकाशी से पूछता है कि अगला मिशन कब होगा। नारुतो बोलता है एक सेकंड, क्यों ना हम इचिराकु रामन खाने चले। काकाशी बोलते है नहीं नारुतो, तुम्हें खाने का तरीका सिखाने के अलावा हम सेंसेई को बहुत सारे काम होते हैं। ये बोलकर काकाशी सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो बस चिल्लाते रह जाता है कि मुझे जाना था। नारुतो बोलता हाँ वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। साकुरा बोलती है काकाशी सेंसेई कभी नहीं बदलेंगे। नारुतो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, अब हम क्या करेंगे। जब वो हमें ऐसे छोड़ के जाते हैं तब हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग करने के लिए नहीं होता है। क्यों ना हम उनका पीछा करके देखें कि अभी वो क्या करने गए हैं। नारुतो एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है वो कहाँ पे गया है। चलो देखते हैं कि किस चीज ने उसका ध्यान खींचा। हमें आसमान से बहुत तेजी से एक चीज उड़ते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद वो एक जगह पे रुकता है और वो हमें जाना पहचाना सा लगता है। वो और कोई नहीं गोकू होता है। गोकू बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा उसके करीब हूँ। गोकू एक खाली से जंगल में खड़े होकर बोलता है अगर मैं ये सोचूं तो, इससे पहले कि उसे पता चले कि मैं यहाँ हूँ, मैं उसे ही ढूंढ लेता हूँ। मुझे जल्दी ही इस परेशानी को ठीक करना होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। काकाशी किसी के ग्रिप के पास खड़े होते हैं। अचानक से काकाशी को किसी का चक्रा महसूस होता है। उसके बाद काकाशी बोलते हैं कि लगता है कोई गाँव के पास है। उसके बाद काकाशी सेंसेई बहुत स्पीड में उस ग्रिप के पास से चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये पश्चिम की तरफ है। काकाशी सेंसेई बहुत स्पीड में पश्चिम की तरफ जाते हुए बोलते हैं ये जो भी है इसके पास बहुत ज्यादा चक्रा है और इसको देख के लगता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। वो पहले ही आसानी से कोना विलेज के अंदर घुसपैठ कर चुका है। काकाशी सेंसेई अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये पास में ही है। काकाशी सेंसेई जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। गोकू एक जगह पे खड़े होकर बोलता है ये ऐसा है जैसे मैं पहले से जानता हूँ, मैं इस जगह को जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी और शांत है। काकाशी सेंसेई एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर गोकू को देख रहे होते हैं। अचानक से गोकू को महसूस हो जाता है कि उनके पीछे कोई है। काकाशी सेंसेई भी ये महसूस कर चुके होते हैं कि उसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए वो उस पेड़ के ऊपर से उतर जाते हैं। काकाशी सेंसेई गोकू के पीछे खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। गोकू पीछे मुड़ के काकाशी को देखने लगता है। काकाशी सेंसेई गोकू से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू अपने मन में सोचने लगता है ओ नो, शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया। काकाशी सेंसेई गोकू से बोलते हैं कोई भी कोनों में इतनी आसानी से नहीं घुस सकता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि अभी इसने क्या कहा। गोकू तो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि मैं इससे लड़ूंगा। गोकू स्माइल करके बोलता है मैं इसके सवाल के जवाब नहीं दूंगा। गोकू काकाशी की तरफ उंगली करके बोलता है मैं गांव को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के काकाशी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और बोलने लगता है तुमने अभी क्या कहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अभी जो तुमने कहा था। तुम कोनोहा विलेज को बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो। काकाशी सेंसेई बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलते है तुम एक निंजा हो। गोकू को कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आया होता है। उसके बाद गोकू बोलता है क्या तुम मुझसे किसी निंजा के बारे में पूछ रहे हो। काकाशी सेंसेई को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। काकाशी सेंसेई बोलते है मैं हूँ काकाशी अटाके कोनोहा विलेज से। काकाशी सेंसेई अपने मन में सोचने लगते हैं जब भी मैं ऐसा कहता हूँ तो हर कोई हैरान क्यों हो जाता है। गोकू कुछ सोचते हुए बोलता है मुझे याद है। गोकू अपने बचपन के बारे में याद करने लगता है। उसके सामने एक निंजा खड़ा होता है जो बोलता है कि निंजा को कम मत समझो। वो निंजा एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो तुम देख रहे हो। उसके बाद उसके पैर में गंदगी लग जाती है और वो पानी के अंदर भी ठीक से नहीं तैर पाता है और एक क्रैब उसके पीछे काट जाता है। उसके बाद भी वो आराम से बोलता है मुझे पता है कि तुम एक निंजा को भड़काने की कोशिश नहीं करोगे। गोकू ये सब याद करके बोलता है उसने कहा था कि वो एक निंजा है। ये सब याद करके गोकू स्माइल करने लगता है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं तो ये लड़का एक निंजा है बट इसके पास कोई भी हेडबैंड नहीं है। एक विरोधी का सामना करना शायद ये इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। गोकू का खून खोल रहा है उससे लड़ने की सोच कर एक तरीके से उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। टीएन से फाइट करने के बाद अभी तक मुझे कोई अच्छा अपॉनेंट नहीं मिला है, शायद मुझे एक मौका मिल गया। ये सब सोच कर गोकू स्माइल करते हुए बोलता है मुझे ये पसंद है, अपनी पूरी ताकत लगा के चलो मुझसे लड़ो। काकाशी बहुत ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गोकू बोलता है ऐसा कुछ बड़ा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। काकाशी बोलता है क्या तुम कोई गेम खेल रहे हो। गोकू बोलता है चलो। गोकू काकाशी की स्पीड देख के चौंक जाता है और बोलता है बहुत अच्छे। काकाशी सेंसेई एक हैंड साइन बनाते हुए बोलते हैं चलो तैयार हो जाओ। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है बेहतर होगा तुम मुझे देखो। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। गोकू और काकाशी आमने सामने होते हैं। अचानक से काकाशी सेंसेई चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि गोकू कहाँ चला गया। काकाशी सेंसेई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि ये कैसे गायब हो सकता है। एकदम से गोकू सामने आता है और काकाशी सेंसेई के पेट पे अटैक करता है। इस अटैक के कारण काकाशी सेंसेई के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही काकाशी सेंसेई जमीन में गिरते हैं वो लकड़ी में बदल जाते हैं। ये देख के गोकू चौंक जाता है और उसके पास जाके लकड़ी को उठाने लगता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी ये क्या हुआ। सो गाइस, चैप्टर 1 यही खत्म होता है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको इसका सेकंड चैप्टर चाहिए कि नहीं। तो जब तक के लिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।